धर्मजयगढ़ में निजी स्कूल की मनमानी के विरोध में पालकों ने जमकर हंगामा किया और सोलाइन स्कूल प्रबंधन पर पालकों ने जबरन फीस वसूलने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे पालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य गतिविधियों के नाम पर पालकों से फीस मांगी जा रही है। फीस नहीं देने पर बच्चों के रिजल्ट नहीं देने का भी आरोप लगाया गया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सहायक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंची और पालकों को समझाइश दी। मैं शिक्षकों को पेमेंट और अन्य एक्टिविटी के रूप में 3000 से 4000 रुपए लिया जा रहा था, पर सभी पेरेंट्स को मैंने बुलाया और सबके सहयोग से इस बात को पूरे स्टाफ के सामने रखा गया। पेरेंट्स और मिशन स्कूल के स्टाफ के साथ उसमें यह निर्णय लिया कि हाई कोर्ट का आदेश है और पेरेंट्स की बात को रखते हुए केवल ट्यूशन फीस उनको लेना हुआ है और जो अदर एक्टिविटी के रूप में 3000 4000 जो हर वर्ष ले रहे थे उसको आज से बंद किया गया। प्राचार्य जी से बात हो गया है और पालकों से भी बात हो गया है, दोनों सहमत हो गए हैं कि केवल ट्यूशन फीस लिया जाएगा और सप्ताह भर का समय दिया गया है और जो भी फीस उनका बकाया है पिछला वो ले सकते हैं और ट्यूशन फीस लेंगे।